हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आई हूँ जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम का जो कॉमन नेम है दैट इज वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक, और इसका जो फैमिली है As2O3। मीन्स आप लगभग हर कोई केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा पीरियोडिक टेबल पे, जहाँ की फॉस्फरस और बिस्मथ के बीच में आर्सेनिक आता है। तो दिस इज अ मिनरल किंगडम रेमेडी। तो यही मिनरल आर्सेनिक से ही ये होम्योपैथी मेडिसिन बनाया गया है। तो और ये क्लिनिकली आपको ज़्यादातर डायरिया के केस पे हो गया या अस्थमा के केस पे ये बहुत आपको मिलेंगे पेशेंट्स क्लिनिकली। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके स्फीयर ऑफ एक्शन पे। तो स्फीयर ऑफ एक्शन का मतलब कि ये मेडिसिन कौन से सिस्टम और ऑर्गन्स पे काम करते हैं। तो ये काम करता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, रेस्पायरेटरी सिस्टम और स्किन पे काम करते हैं। तो चलिए अब हम मेंटल सिम्टम्स पे चलते हैं। तो मेंटल सिम्टम्स पे इनको फियर ऑफ अलोन, अकेले में इनको डर लगता है, बहुत एंजाइटी रहता है, फियर ऑफ डेथ इनको बहुत ज़्यादा रहता है। देन ये ना बहुत केयरफुल होते हैं, बहुत कॉशियस नेचर के होते हैं, बहुत सस्पिशियस होते हैं। इनके लाइफ में कोई भी एरियाज में बहुत सस्पिशियस होते हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, सारे चीज़ों में ये बहुत सस्पिशियस होते हैं। और लाइक इनको ऐसा फील होता है कि अगर ये अगर कहीं रेस्टोरेंट्स पे खाना खा लिए, कहीं बाहर का कुछ खाना खा ले रहे हैं, या फिर अगर एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे तो इनका हेल्थ बिगड़ जाएगा, ऐसा इनका माइंड रहता है। देन अगर हम इनको बोलेंगे तो ये बहुत इरिटेबल, बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी ये सैड हो सकते हैं, ये बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत इमोशनल काइंड ऑफ नेचर इनका रहता है। तो ये सारे थे इनके मेंटल सिम्टम्स। तो अब चलते हैं हम इनके फिजिकल सिम्टम्स पे। फिजिकल सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा नहीं है इनका। अगर थर्स्ट देखा जाए तो बहुत ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर इनको एक प्यास रहता है इनको बहुत ज़्यादा। लेकिन जब भी ये पियेंगे एट अ टाइम, ये बहुत लिटिल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनको पीना पसंद है। तो और इनका तो एक तो गया ये थर्स्ट। देन नेक्स्ट अगर आएंगे हम इसके डिज़ायर्स, जो खाने पीने का इनका जो पसंद है वो है, इनको ऑयली फूड्स बहुत ज़्यादा पसंद है इनको। तो ये सारे थे इनके फिजिकल सिम्टम्स। तो अब चलते हैं हम इनके डिजीज सिम्टम्स पे। तो डिजीज सिम्टम्स में पहले हम आएंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे। तो इसमें क्या होता है कि पहले सिम्टम्स हम डायरिया में आएंगे। डायरिया में बहुत अच्छा काम करता है आर्सेनिक एल्बम। इनके जो डायरिया में जो स्टूल होता है वो बहुत ऑफेंसिव होता है, डार्क कलर्ड होते हैं और बहुत स्मॉल क्वांटिटी होता है। लेकिन इनके आफ्टर डायरिया मीन्स आफ्टर स्टूल, ये इनका जो वीकनेस रहता है इनके बॉडी में बहुत ज़्यादा इंटेंसली रहता है। देन ये अगर हम बोलें तो गैस्ट्राइटिस के केस में भी अच्छा काम करता है, जैसे कि ये अगर कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आइसक्रीम्स हो गए या आइस ड्रिंक्स हो गए या कोल्ड फूड हो गए, तो या फिर अल्कोहल इंटेक हो गया इनका या बियर वगैरह, तो इनमें इसमें इनका गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स आते हैं। देन ये पाइल्स के केस में भी बहुत अच्छा काम करता है, हेमोरॉइड्स के केस पे। तो पाइल्स जो रहता है इनका बहुत इंटेंसली स्टिचिंग पेन रहता है, ये चल फिर नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते, इतना ज़्यादा इंटेंस पेन रहता है इनका पाइल्स पे। तो ये सारे हो गए इसके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के सिम्टम्स। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके रेस्पायरेटरी सिस्टम पे। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम में अस्थमा के केस पे बहुत अच्छा काम करता है, और इनको लाइक मिडनाइट पे ज़्यादातर स्पेशली उस टाइम पे इनको ज़्यादातर जो सफोकेशन रहता है, अस्थमा के जो अटैक्स होते हैं इनको मिडनाइट पे ज़्यादातर होता है।
और लाइक इनको एक इतना फियर ऑफ सफोकेशन हो जाता है ना कि ये मतलब एक स्ट्रेटली ये बैठ नहीं पाते, तो ये थोड़े फॉरवर्डली बेंट होकर के रहते हैं. तो ये था इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अस्थमा का सिम्टम्स. एंड नेक्स्ट हम अगर स्किन पे आएंगे तो स्किन इनके बहुत ड्राई होते हैं और इनके स्किन बहुत रिंकल्ड होता है. इनका कोल्ड परस्पिरेशन होता है, जो स्वेटिंग रहता है ना वो थोड़े कोल्ड रहते हैं. और देन फिर अगर आएंगे तो इनका एडिमा पे बहुत अच्छा काम करता है. एडिमा का मतलब अ जनरल स्वेलिंग थ्रू आउट देयर होल बॉडी, तो उसको एडिमा बोला जाता है. तो एडिमा पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है, आर्सेनिक एल्बम. तो ये सारे थे इनके डिजीज सिम्टम्स. तो अब हम चलते हैं इसके मोडेलिटीज पे. मोडेलिटीज का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि किस चीज से इनका जो कंप्लेन्स, इनका जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एग्रावेशन. और जिससे कम जाता है उसे बोलते हैं एमिलोरेशन. तो पहला बोलेंगे अगर एग्रावेशन में, तो इनके सारे कोल्ड वाले, जितने कोल्ड वेदर हो गए, कोल्ड फूड हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, तो ये सारी चीज से इनका एग्रावेशन होते हैं. और ज्यादातर इनके सारे कंप्लेन्स के जो एग्रावेशन इनको मिडनाइट पे ज्यादातर होता है. तो ये सारे हो गए इनके एग्रावेशन. देन अगर हम इसके एमिलोरेशन पे आएंगे तो इनको हॉट वेदर या थोड़ा वार्म वेदर पे इनको अच्छा, इनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, रिलीफ लगता है. तो ये इनके एमिलोरेशन हैं. तो फ्रेंड्स, ये था आर्सेनिक एल्बम के बारे में. तो आज के लिए इतना ही. हम फिर से मिलते हैं एक नया टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो पे. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग.